व्हाट्स अप गाइस, अनऑर्ड पावर इज हियर। तो आज का कंटेंट काफी अलग होने वाला है, वीडियो का आपको एंड तक देखना क्योंकि एंड में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। कहीं पर भी स्किप करोगे उस सरप्राइज भूल जाओगे, बहुत इंपॉर्टेंट सरप्राइज है। तो एंड तक इस वीडियो को देखो, आरपी का गिव अवे है, देखो एंड तक। मैं आपको बताऊंगा कितने आरपी का गिव अवे, क्या है पूरा प्रोसेस मैं बताऊंगा। तो कंटेंट ये कि जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल आया पबजी मोबाइल में नया अपडेट। मुझे लगा था पुराने मोड जैसा ही होगा, ट्रैम्पलिन वाला बढ़िया कंटेंट बनेगा, एक डेढ़ महीने तक फुल कंटेंट बनाऊंगा इससे। बट मैं चार मैच में उतरा और पहले मैच में मुझे गन मिली है इसमें। लिटरली ये है वही मोड बट इसमें गन नहीं है, पबजी वालों ने लूट कर दिया। और एक बात बताओ मुझे पबजी वालों, ये पबजी है, फ्री फायर है, ये क्या है, ये फोर्टनाइट है भाई? पावर्स दे दी, एक पावर में है कि ये आपके सामने शील्ड बना देता है, तो शील्ड इनेबल करने से आपको 75% कम डैमेज होता है। दूसरा है ये पावर स्विच करने से आपको गिली सूट में आप आ जाते हो। मैं इस दो बार मरा हूँ क्योंकि मैं पूरा ये चेयर पार्क, मतलब ये जो भी ट्रैम्पोलिन पार्क है एनिवर्सरी पार्क में, से ख़त्म करा। मैं बाहर गया और बंदा घास में लेटा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ और दो बार मैं ऐसे मरा हूँ। पबजी वालों ये पावर देना बंद कर दो। तीसरी पावर है, वो हेल्पफुल है बट वो इतनी ख़राब भी है। उसमें आपको इनेबल करते हैं, आपको बंदे दिखने लग जाएंगे, आपको बंदे दिखने लग जाएंगे कि बंदे कहाँ पर हैं, समझ रहे हो? मतलब एक आय का बटन आ जाएगा कि, मतलब जैसे ESP में नहीं होता वैसे बंदे दिख जाएंगे। अब सच में भी कोई हैकर हुआ उस गेम में और उसने आपको हैक करके ही मारा, बट अपन को यही लगेगा कि यार उसने पावर यूज़ करी होगी। यहाँ पर चार बंदे आए थे, मैं चारों को क्लियर कर देता हूँ और यहाँ से मैं निकल लेता हूँ रोजो की तरफ। बट मतलब भाई पबजी वालों, अगर ये वीडियो देख रहे हो ना, पावर देना बंद कर दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारी पावर कैसे भी। मतलब भाई क्या ही बोलूँ मैं इनको भाई, मतलब वो हैकर्स के लिए सबसे अब सही है। मतलब आपको ESP की तरफ देख पाओगे सारे बंदे, अगर मान लो किसी ने आपको हैक करके मारा, अपन को तो ये लगेगा भाई उसने पावर यूज़ करी होगी, कोई ना, ठीक है। एक चीज़ ये, अब जो सरप्राइज की बात थी वो अब मैं रिवील करने वाला हूँ। गाइज मेरे चैनल पे हो रहा है 2 RP का गिव अवे, ठीक है। मैं 2 विनर चूज़ करूँगा, एक चूज़ करूँगा मेरे यूट्यूब से, एक चूज़ करूँगा मेरे इंस्टाग्राम से। आपको करना क्या है, बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और कमेंट करना है, कुछ भी कमेंट कर सकते हो। और एक बंदे को एक ही कमेंट करना है, वो दूसरा कमेंट करेगा रॉयल पास के लिए तो मैं उसे डिसक्वालीफाई कर दूंगा, ठीक है। और रैंडम विनर्स होंगे, और इंस्टाग्राम पे आपको फॉलो करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप annoyed_power_yt के नाम से भी सर्च कर सकते हो, मैं वैसे भी वहाँ टॉप पे आ जाऊँगा। तो इस कंटेंट में आगे की बात करते हैं, मैं ये पूरा क्लियर करता हूँ, मैं थोड़ी बहुत लूट ट्राई करता हूँ, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आया कि गाने का टाइप क्या है। और इस मोड में इतनी और ख़राब चीज़ है, ये पावर कभी भी इनेबल हो जाती है जो आपको मैच में दिक्कत देती है। और मुझे समझ नहीं आ रहा पबजी वालों ने अपडेट में क्या करा है भाई, गन्स की साउंड, मतलब फुटस्टेप इतनी दूर से आ रहे हैं ना, मतलब मैं डेथ मैच खेल रहा था, ठीक है, मैं डेथ मैच खेल रहा था, मैं वहाँ गया, मैंने देखा भाई फुटस्टेप आ रहे जस्ट बगल में से, बंदा है आपसे 100 कूस दूर, 100 किलोमीटर दूर बंदा है, फुटस्टेप आपको आ रहे जस्ट बगल में। अगर गाइज आपके साथ भी ये चीज़ हो रही है ना, तो मुझे एक बार कमेंट में बताओ कि हाँ भाई मेरे साथ भी ये सेम चीज़ हो रही है, यार ये अजीब से साउंड को ठीक कैसे करना है, मुझे ये चीज़ भी बताना, ठीक है। यहाँ पर मेरे पास कोई व्हीकल नहीं होता है, मैं थोड़ा आगे जाता हूँ व्हीकल ढूंढने, तो मुझे वहीं पर एक बग्गी मिल जाती है। मैं यहाँ पर चेक कर रहा होता हूँ कि इस बार तो कोई सांप नहीं लेट हुआ, जैसे पिछले 2 गेम से मरा हूँ तो यहाँ कोई सांप नहीं लेट हुआ होता। मैं डायरेक्टली बग्गी की तरफ यहाँ से भागते भागते जाता हूँ, मुझे बग्गी मिलती है और फिर मैं डायरेक्टली जाता हूँ रोजो की तरफ, और अब देखना मेरे साथ वहाँ क्या होता है। मतलब इस पूरे मोड, ये इतना ख़राब मोड है गाइस, मैं आपको मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब बहुत ख़राब मोड है। मुझे यहाँ से बग्गी मिली, मैं रोजो की तरफ गया, मुझे गन साउंड आई कि यार स्कूल में बंदे हैं, ठीक है। मैंने यहाँ से स्कूल में मोड़ा, मुझे वहाँ एक बंदा दिखा। अब आप देखो आगे का खुद देखो, मैं यहाँ पर कमेंट्री नहीं करूँगा, बस मैं आपको शॉर्ट्स बताऊँगा। बंदा मुझे बंदा स्कूल में स्पॉट हुआ, ठीक है, मुझे पहले से स्पॉट हो गया था, वो ऊपर वाले सेकंड फ्लोर पे था, मुझे यहाँ से स्पॉट हुआ, मैंने देखा वो बंदा वहाँ पर मुझे दिखा, मैं ऊपर देखने लगा, फिर वो बंदा आएगा आगे वाले रूम में, लेफ्ट रूम में आगे की तरफ आएगा वो बंदा, मैं उसे यहाँ शॉट नहीं ले तो वो कूदने का ट्राई करता है, पहला शॉट मिस, दूसरा शॉट उसको लगा बॉडी। मैं सोचता हूँ डायरेक्ट रश मारूँ, इतनी देर में एक बॉट आज तो उस बॉट को ख़त्म करते हैं और डायरेक्टली चलते हैं उस बंदे पे बग्गी लेके। तो देखो अब आगे का, और आप बता दो कि इसमें मेरी क्या गलती थी। मोड को अब देखना, इस सीन को स्किप कर, बगैर कहीं मत जाना गाइस, ये मोड आपको देख के जाना है, ठीक है। इसमें एक तो इतनी हाई पिंग आ रही है, मेरी पिंग आती है 20 की गाइस, मेरी 20 से ऊपर पिंग नहीं जाती, और इसमें मेरी पिंग कम से कम मेरी पिंग इसमें 180 आ रही थी, आपको लाइव भी दिख रहा होगा। अब देखना भी
क्या ही बकचोद है ये, मैं कुछ नहीं कहता, ये मोड पबजी वालों हटाओ वरना भाई मैं तो नहीं खेलने वाला गाइस। अगर आप मेरी स्ट्रीम पे भी आते हो सॉरी टू से, बट ये मोड मैं तो नहीं खेलूंगा। बस ये वीडियो देखो आप, आगे का सीन देखो, मैं ऐसे जाता हूँ स्कूल और आप देखना आप आगे का। गाइज मैं स्कूल पहुंचा, मैंने बग्गी उठाई, मुझे लगा अपार्टमेंट में बंदा है, बंदा मुझे स्पॉट हुआ, मैं बग्गी से उतरा, एक बंदा डाउन में यहाँ पर करता हूँ, मुझे बंदे का फुटस्टेप आता है, एक बंदा मुझे छत पे दिखा, एक मुझे फुटस्टेप आता है कि बंदा मेरी तरफ राइट से क्लोज इन कर रहा है। मैं यहाँ पर गया राइट पे, देखा मैंने बंदे को, मैंने करा डाउन, ठीक है यहाँ पर मुझे वहाँ से फायरिंग हुई। अब आप देखना गाइज, उसने शील्ड एक्टिवेट कर ली थी, मुझे मालूम भी नहीं था, मैंने काफ़ी डैमेज दिया, ठीक है। अब आप उस बंदे की बार हेल्थ देखना, अब आप उस बंदे की बार हेल्थ देखो, उस बंदे को डैमेज भी नहीं हुआ, मैंने उसे इतना डैमेज दिया, उस बंदे को डैमेज नहीं हुआ। गाइज इस अपडेट में सिर्फ एक चीज़ अच्छी आई है, वो है क्रू फिर से आ गया है, जो भी अपन को याद है जो अपने क्रू थे वो क्रू आ गया, और अपन केक भी बांट सकते हैं अगर आप MVP हो तो। गाइज जो सेकेंड है ये मैं एक क्लिप जोड़ रहा हूँ, इस क्लिप को देखो आपको मज़ा आएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट गाइज कूद रही थी, पूरा सर्वर ही आ रहा था, यहाँ पूरा सर्वर आ रहा था यहाँ पर, और मतलब कते ही जहर। और यहाँ पर देखो भाई तुम्हारा भाई क्या सरवाइव करता है, भाई आप इस क्लिप को देखो, 1v3 मारता है तुम्हारा भाई, वो भी 1 HP में, लिटरली 1 HP में 1v3 मारता है तुम्हारा भाई। यहाँ पर लैंडिंग ख़राब हुई थी, मैं तब भी कूदा, मैंने कहा चलो भाई डर के आगे जीत है, सलमान भाई का नाम लेदर घुसते हैं। मैं वहाँ गया एज यूजल, क्योंकि यहाँ लूट है नहीं, मुझे कोई गन नहीं मिली, समझ रहे हो। ऊपर गया, ऊपर बंदा था, ठीक है यहाँ से बचा, वो बंदे ने पीछे नहीं देखा, बस मेरी ये खुशकिस्मती मान लो उस बंदे ने पीछे ही नहीं देखा। यहाँ से मुझे, मैं नीचे की तरफ जाता हूँ, मुझे वहाँ से शॉट्स पड़ते हैं, अभी देखना, मैंने यहाँ पर M7 मिली मुझे, वहाँ से शॉट पड़ेंगे मुझे और मैं एकदम डाउन हो जाऊँगा, मतलब बहुत लो हो जाऊँगा। यहाँ पर आया मैं लेटा, ठीक है, मैं जो बंदा स्पॉट हुआ मैंने बंदे को दिया वहाँ डैमेज, ठीक है बंदा हुआ नहीं डैमेज। यहाँ पर एक बंदा मैं यहाँ पर करता हूँ डाउन, ठीक है, या वैसे इसका दूसरा टीममेट आता है, मतलब गाइज ये तो मतलब बहुत अच्छा क्लच था मेरे हिसाब से 1 HP में जो मैंने मारा। तो ये क्लच के लिए आपको, अगर ये क्लच में कर देता हूँ आपको करना है लाइक, क्योंकि मैं 1 HP आप लोगों को दिख रहा है, अगर मैं इस क्लच को कर देता हूँ तो आपको लाइक और सब्सक्राइब दोनों करना पड़ेगा मेरे चैनल को, ठीक है। और गाइज RP में पार्टिसिपेट करने का प्रोसेस मैं आपको बता चुका हूँ, तो RP में पार्टिसिपेट करना भूलना मत, अगर आपको फ्री RP चाहिए सीजन 18 की। ग्यारह में जाता है बंदे का फुटस्टेप, देखो गाइज मैं होता हूँ 1 HP, सामने वाले के पास होती है M416, यहाँ पर डैमेज और ये बंदा डाउन, मतलब भाई मज़ा आ जाता है गाइज। और मतलब मेरी एमओ खत्म हो गई थी, वहाँ से चौथा बंदा आता है। अब देखो यहाँ मेरे साथ क्या हुआ, फिर से इस मोड का ग्लिच, अभी आप देखो कि मेरे साथ यहाँ हुआ क्या, मैं कितना डीसिंक में हुआ हूँ, मैं यहाँ मरा हूँ गाइज, बट देखना कैसे मरा हूँ, मैं इतने डीसिंक में मरा हूँ, मतलब फुल कवर में आ गया मैं, ठीक है मैं फुल कवर में आ गया, और आप देखो कि मैं कितने डीसिंग में आ रहा हूँ। मेरी इन गेम पिंग आ रही है 187, 190, 188, 190, और जब मैं मैच के बाहर जा रहा हूँ मेरी पिंग दिखा रहा है 32 की। ये इस मोड का ग्लिच है, मैं मिरामार खेला, मेरी पिंग 32 की थी, देखो मैं अंदर आ गया और फिर मैं नॉकआउट हुआ, ये इस मोड का ग्लिच है। तो गाइज मैं इस मोड को नहीं खेलने वाला, मैं इस मोड से परेशान हो गया हूँ, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आप भी इस मोड को मत खेलना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलता, बाय।